हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे ही होंगे। और आज है 26 अक्टूबर और अभी बजे हैं सुबह की 11। तो आज स्पेशल दिन है कुछ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते इतना, पर मैंने सोचा आपको बता दूं तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, मैंने सेलिब्रेट नहीं करना है और विश कर दिया है मैंने उनको। और चॉकलेट्स उनके लिए मंगाई थी, बच्चे लाए थे चॉकलेट बोले मम्मी पापा हम लोगों के लिए इतना करते हैं, हम लोग उनको चॉकलेट ला के तो दे ही सकते हैं। आपको एक चीज़ दिखाओ फ्रेंड्स, पहले हेलो तो बोल दो। हेलो। अभी नहीं, हमारे घर आए हैं दो छोटे नन्हे से मेहमान और उनको भी मैं आपके साथ मतलब दिखाऊंगी आपको। अभी नहीं दिखाएंगे क्यों? और आज सुबह नाश्ते में मैंने बनाई थी मैक्रोनी और अभी पनीर बनी है। पनीर बनी है और शुमी ने खा भी लिया है, मुझे बहुत खाने का मन था तो इसको, मम्मा ने बना लिया। इसको इतना पनीर पसंद है कि मैं बता नहीं सकता, ये रोज पनीर खाना चाहती है। और मैं 10-15-20 कितने दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, 25 दिन से हमारे यहाँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो पनीर बना नहीं, और सुमी को रोज पनीर चाहिए और आज मम्मा ने बना लिया तो खाया है मैंने। कल पापा ले आए और आज बन गया। वैसे भी आजकल महंगाई बहुत है, आलू के बराबर पनीर है। आलू इतना महंगा है तो पनीर ही खा लो। वो मेहमान वाला वीडियो कब दिखाओगी? हाँ, अभी दिखाएंगे अभी तो। और पनीर बहुत टेस्टी बनी है, आपको अभी दिखाते हैं फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी बनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पनीर बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी बनी, मज़ेदार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग के पेट में हमारे घर आए हैं दो नन्हे मेहमान, वाइट रैट। मैंने सुना है कि वाइट रैट लाने से जो घर में चूहे आ जाते हैं वो भी भाग जाते हैं, तो मेरे घर में बहुत सारे चूहे आ गए थे तो जो काफ़ी नुकसान कर रहे थे। और मेरे बच्चों को पेट भी चाहिए था तो मैंने वाइट रैट मंगवाए हैं। इनके आने से मैंने सुना है कि जो घरेलू चूहे होते हैं वो भाग जाते हैं, तो देखते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो चूहे भागे कि नहीं भागे। तो कैसे हैं ये छोटे छोटे मेहमान आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बहुत स्मार्ट हैं, ये अपनी सफाई खुद करते हैं और हमेशा कानों को साफ़ करते रहते हैं, हाथों को साफ़ करते हैं, मुंह साफ़ करते रहते हैं, दांत भी साफ़ करते हैं, पता है फ्रेंड्स? और दांत भी साफ करते हैं सुबह सुबह उठ के। और ये बिल्कुल हम लोग की तरह हैं, इनको कुछ भी अलग से खाने की देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी नहीं खा सकते हैं वरना इनके बाल झड़ने लगेंगे। वो देखिए ये छुटकू महाराज करतब कर रहे हैं। एक का नाम है मिनी और एक का नाम है मिकी। और फ्रेंड्स इसमें ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है ये मेल है और इसका नाम मिकी है, और वो जो नीचे है ये यानी कि ये इसका नाम मिनी है और ये फीमेल है। तो कैसे लगे मेरे पेट प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हर बात पे ऊपर चढ़ जाता है और अभी इनको मिल्क पाउडर दिया था इनकी फर्स्ट ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स ये पिंजरा काफी छोटा है इसलिए पापा इनके लिए अलग से बड़ा पिंजरा बनवाया। देखिए फ्रेंड्स मम्मी बर्तन धुल रही हैं। आज हाउस हेल्पर नहीं आई है ना, वो आज इसकी बहन की वो है सगाई थी, सगाई ने बहुत भराई, उसी को सगाई कहते हैं। तो उसने मुझे कल बताया था और मेरा दिमाग देखिए कि मैं मुझे याद ही नहीं कि वो नहीं आएगी, तो इसीलिए बर्तन भी धुल रहे हैं और
खड़े होने में थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होती है मुझे, लेकिन बना रही है। क्या कर रही है तो इसीलिए मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। शाम के वक्त मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, बहुत दिनों बाद मैं गोभी खा रही हूँ। अब ठंडक का मौसम आ गया है तो गोभी आ गई है, पर बहुत महंगी है। कल कह रहा था कि 40 रुपए का एक फूल, फिर हमने इनसे कहा कि मार्केट से लेकर आना, जो घर के सामने बेचते हैं वो ज़्यादा महंगी देते हैं, मार्केट में शायद थोड़ी सस्ती मिली है। तो फ्रेंड्स शाम के 9 बज रहे हैं और खाना भी बन चुका है मेरा, लेकिन अभी मैं अगर इससे ज़्यादा आप लोगों को दिखाऊंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और फिर लोग बोर होने लगेंगे। तो आज जो मैंने आपके चूहे दिखाए वो कैसे लग रहे हैं? चूहे जल्दी कोई पालता नहीं है, पर हमारे घर में कुछ नया होता है और मैंने चूहे मंगाए हैं, तो देखते हैं कैसे रहते हैं वो। रोज़ आपको उनसे मिलवाऊंगी मैं। और आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल। और वीडियो पूरा वॉच करें प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और नहीं बाय।